तो हम बनाने जा रहे हैं इडली, और ये हमने रात को फुला दिया था और रात को हमने इनो नहीं डाला था। तो अभी जो इनो डालने से और सॉफ्टी सॉफ्टी बनेगी, तो मैं डाल रही हूँ इनो। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए अपन रख देंगे। गाइस, हमने इडली चढ़ा दिया है, तो ये अभी इडली हो रही है और ये हमारी चल रही है सांभर की तैयारी। तो इसमें दाल हमारी हो चुकी है, इसमें हमने लिया है दाल, लिया है लौकी, लिया है टमाटर, लिया है, और ये कुछ इडलियाँ बन के रेडी है और बाकी इतना बैटर बचा हुआ है तो अभी और बनेगी। तो हम करते हैं चटनी की तैयारी, जब तक ये कुकर की सीटी वो हो जाएगी तो फिर सांभर पका देंगे। तो चटनी बनाने के लिए हमने ले लिया मूँगफली, और ये लिया टमाटर, मिर्ची और लहसुन। अदरक और लाने वाली हैं अभी, तो अदरक जैसे ही आ जाएगा तो इसमें अदरक भी डालेंगे। और ये है मीठी नीम की पत्ती, तो ये तेल हो चुका है तो इसमें मैं ये सारा चीज़ डालूँगी। तो ये जैसे ही थोड़ा सा हल्का रोस्टेड हो जाएगा तो मूंगफली के सहारे से अपन पीस देंगे। तो ये मूंगफली मैंने डाल ली है। तो गाइस, अब ये हो गया है हमारे सांभर की तैयारी। तो इसमें कढ़ाई में तेल ले लिया है, और ये लिया है मिर्ची, राई और ये मीठी नीम। सांभर मसाला, मिर्ची और धनिया डालो, नमक डाली हो, नमक तुम डाली इसमें डाल। हाँ, पूरा पकड़ते भी नहीं हो, पूरा नीचे गिरा दिया वो चटनी। मोबाइल पकड़ी कि इनको पकड़ूं मैं? ऐसे खाते हैं टेस्टी। अच्छी है, बहुत अच्छी है।